जहेज ना मिलने पर दूल्हा शादी खाने से वापस हो गया, ऐसी एक खबर पिछले दिनों शहर हैदराबाद से आई थी। उस वीडियो में आपने सुना था दुल्हन के भाई का मुकम्मल बयान। यह मामला बढ़ते बढ़ते पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब नई अपडेट आई है कि दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जी हाँ, आप सुनेंगे इस वीडियो में तफसीली रिपोर्ट दुल्हन के भाई से और लड़के से। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। दो दिन पहले यानी 8 तारीख को हमारे पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन आई कि शादी रुक गई। बल्कि हम भी परेशान हुए और उनसे राब्ता करके पूछे कि क्या बात है, किस वजह से शादी रुकी। फ़ोन में ही बात हुई उनसे, तो बच्ची के वालिद साहब हमको फ़ोन करके इतला करे कि नौशा शादी में नहीं आए, रात के 11 बज रहे, हम लोग 8 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग राब्ता करें तो नई दहेज सामान वगैरह सही नहीं दिए, इसलिए हम लोग नहीं आए। बल्कि बोले इमीडिएट मैं रात में 10:30-11 को वहाँ पर रशअप हुआ। वो फंक्शन हॉल का नाम 9 फंक्शन हॉल है, अनमोल गार्डन के बाजू में है, हमारा यही रहता वो। मैं जाके रब्ता करा वहाँ पे, पूछा सबसे और वहाँ पे पकवान भी किया हुआ था, पकवान भी हुआ। और जैसे शादी खाने वालों को पूछे तो वो लोग भी बोले कि 2 महीने पहले ये लोग बुक कर रहे थे फंक्शन हॉल शादी के लिए। और मैं जाके बात करे तो बच्ची के वालिद साहब से रब्ता करे तो उन्होंने बोले कि कल रात में सांचक था, सांचक में वो जहेज सही नहीं दिए, वो नहीं दिए, ये नहीं दिए, बल्कि बोले बल्कि बोल रहे थे लोग। और उनका मकान पूछे तो पहाड़ी शरीफ बल्कि बोले उन्होंने, वहाँ पे भी मैं फ़ोन करके पूछा पहाड़ी शरीफ में, हम आपको तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बोले। इमीडिएट मैं पूरा वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किया और पकवान वगैरह फ़ोटो सब लेके वो लोग को कॉन्टेक्ट किए तो वो लोग का फ़ोन स्विच ऑफ आया। इमीडिएट हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए, शुरू करके बाद में हम लोग पहाड़ी शरीफ PS को बोले तो वो लोग वहाँ पर FIR भी दर्ज किए, आगे की कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे कोई भी वाकये हुए तो पुलिस का सपोर्ट लीजिए, अपने दिल को छोटा मत कीजिए, कोई अनहोनी काम मत कीजिए, जो भी है आगे पुलिस से रब्ता कीजिए। हम लोग फ्रेंडली पुलिसिंग है हमारी, हम लोग हमारे से हुआ जितना हुआ हम कोशिश करते, हमारे CP साहब, सज्जनर साहब, 6 टीम्स लगाए और वुमेन के लिए बहुत से प्रोग्राम्स लगाए, ये कला वृंदम प्रोग्राम रखे और सबको अवेयर कर रहे हैं हम लोग इस ऐसे बारे में। इस अब तक तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ हमारे एरिया में, ये पहला वाकया है। और मैं आवाम से यही विनती करता हूँ कि कोई भी ऐसी कोई बात आई तो इमीडिएट पुलिस से रब्ता कीजिए, कोई अनहोनी काम मत कीजिए, हम लोग आपके साथ 24 घंटे काम करने के लिए हम साथ देते हैं आपका। ये रीज़न कुछ नहीं, ये दहेज के बारे में ये अभी चल रहा है वो आयशा का हुआ, जब से बहुत कॉल्स हम लोग को भी आ रहे, हम लोग भी रशअप हो रहे, जाके उन लोग समझा रहे कर रहे, अल्लाह करम अब तक तो ऐसा कुछ आगे और कोई नहीं हुआ ऐसा। और मैं मीडिया से भी विनती करता हूँ कि ऐसे वाकयों को बार बार मत फैलाइए, बच्चों में गलत मैसेज जाके गलत काम करने के भी चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ ऐसे कामों को थोड़ा आगे फ्लैश अप न करो। पेरेंट्स को भी ये बोल रहा हूँ कि दिल मायूस मत हो, ऐसे छोटे मोटे कभी कोई रहते समाज में, हर जगह कोई ना कोई कुछ रहते ऐसे लोग, आपसे अपील कर रहा हूँ ऐसा कुछ वाकई आपके पास पेश आए तो इमीडिएट आप कंसर्न पुलिस स्टेशन, जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में रब्ता कीजिए और उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाएंगी और आगे की जो है उसको हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। हाँ, सेक्शंस लगाते चीटिंग केस है उन लोगों के ऊपर और क्रिमिनल ब्रिज ऑफ ट्रस्ट, उन लोगों को एक उम्मीद दे के उन लोगों को चीट करें उन लोग, उसके ऊपर पार्टिशन PS में कार्रवाई हो रही है। 100 नंबर कीजिए, पूरी हमारी पुलिस फोर्स आपके लिए 24 घंटे रेडी है, तैयार है। रातों में भी हमारे CP साहब, सज्जनर साहब रातों में भी CTs को रखे हैं, हर पुलिस स्टेशन में CT भी काम कर रहे हैं, रातों में भी काम कर रहे हैं। और अगर अपने को समझ नहीं आया 100 फ़ोन कीजिए, हम लोग पूरा रशअप होके जो करना है हम हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद अजमत है, मैं कारवान का रहने वाला हूँ। 9 फंक्शन हॉल में जो वाकया पेश आया दहेज की वजह से, दूल्हा लालची है बोल के, ऐसा मेरा कोई ना कोई मांग नहीं थी दहेज की मेरी कोई भी, ये सब बेबुनियाद है।
कोई ये सामने लड़की वालों को कोई थर्ड पार्टी आके कोई गलत फहमी हो गई, उनको कोई आके कुछ बोल दिए दहेज की वजह से ये ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया है, ऐसा मेरी कोई डिमांड नहीं थी मेरे सामने बैठे हुए लड़की के भाई। मत खासी में अब ये नाइन फंक्शनल में जो भी हुआ उसमें क्या है मालूम, दहेज के बारे में जो बात उठी इसमें थर्ड पार्टियाँ क्या करें उसमें बातें उठाएं अफवाहें उठाएं, इसमें क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है। आप जहेज के ऊपर अपना अल्फाज 10 बार मीडिया के सामने बयान कर रहे थे कि दूल्हा डिमांड करने के वजह से मैं दूल्हा शादी बायकॉट करा, तो ये कितना सच्चाई है? तुम बोले तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वसीश है, सही है, यादव पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार ऑफिसर्स भी थे उनके सामने भी आपका ये बयान था, तो ये कितना सच्चाई है? इसमें क्या है मालूम भाई, इसमें थर्ड पार्टी के भी तकरीबन गलतियाँ हैं, थर्ड पार्टी आके क्या है मालूम बोल बताए कि थर्ड पार्टी बोल रहे तो थर्ड पार्टी के वजह से ये शादी कैंसल हुई, लोगों के भटकावे में आके इसमें रिश्ते टूटे सो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप वो दिन दूल्हे या दूल्हे के घर वालों से बात नहीं कर रहे थे? दूल्हे के घर वाले बात कर रहे थे, फिर बात कर रहे थे, बात करने के बाद जो बीच में बैठे थे वो लोग बात कर रहे थे कि हमारे घर में बड़े नहीं हैं, वो लोग बात कर रहे थे, हमारे घर में बड़े होते तो ये नौबत नहीं आती थी, हमारे घर में बड़े नहीं है, उसमें बड़े भी है तो थोड़ा दिमागी हालत से थोड़ा कमजोर है, बातचीत थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ, सिंह की डिमांड कुछ भी नहीं थी? नहीं भाई, थर्ड पार्टी की तरफ से क्या है गलत फहमी हो गई बस और कुछ भी। आप अपने स्टेटमेंट में इतने 10 बार बोले, 10 बार बोले, 10 बार हमारे थर्ड पार्टी की तरफ से टेंशन में आ गए थे हम, बस और कुछ भी नहीं। तो आवाम को क्या कहना चाहते हैं? आवाम को ये बोलना है मेरे को, लोगों के भटकावे में आके अपने को ज़िंदगी ख़राब करना नहीं है, पहले ख़ुद फैसला करना, सामने बैठ के आँख से देख के कानों से सुन के फैसला करना, बस यही है मेरा बोलने का, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे को दिल में दुश्मनी उश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी क्या है मालूम, हमला कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमारे को दिला साफ करना है बस और कुछ भी नहीं है, जो भी हुआ वापस करेंगे। नहीं नहीं, रिश्ता नहीं साहब, रिश्ता नहीं कर सकते हम, माफ़ी चाहते, रिश्ते की हद तक तो हम बात भी नहीं कर सकते, बरल हम कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, अब आगे कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, बस दिला साफ करना है हमको, ऐसा कुछ भी नहीं।